नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। यूपी के बुलंदशहर में डिबाई तहसील क्षेत्र के गांव पुजरी कला में पहुंची मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी। किसानों की बरसात से हुई जनहानि को लेकर मंडलायुक्त ने गांव में जाकर किया खेतों का निरीक्षण। मंडलायुक्त ने डिबाई तहसील के किसानों से बारिश से जनहानि के बारे में बारीकी से पूछताछ की। मंडलायुक्त ने किसानों को दिया आश्वासन, जल्द से जल्द सभी किसानों का डेटा फीड कर किसानों की मुआवजे मदद की जाएगी। बुलंदशहर के तहसील डिबाई के गाँव पुजरी कला में चार किसानों के काम क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनको शासन के द्वारा पैसा मिल चुका है। बुलंदशहर के तहसील डिबाई क्षेत्र के गांव पुठरी कला का किया निरीक्षण। मैम, आपने पुठरी गांव का निरीक्षण किया है, तो क्या खामियां मिली हैं और लोगों को किस तरह की राहत दी गई है? आज एक माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर जनपद में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त हुए हैं, जो जाके राहत का काम चल रहा है, जैसे बेमौसम बारिश हुआ है उसके क्रम में। उसी क्रम में हम आज इस गांव में आए हैं। इसमें अभी सर्वे चल रहा है, काफ़ी किसान इसमें आइडेंटिफाइड है, जो सर्वे में फसल नुकसान का हुआ है 59 लोगों को ऑलरेडी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। मकान का क्षतिग्रस्त का भी आइडेंटिफाई किए हैं और किसानों को फीड कर रहे हैं। इसके अलावा कई किसानों ने इंश्योरेंस भी करके रखा है, अब उसका भी अभी सर्वे चल रहा है, लगभग 270 उसमें है, तो उसमें भी इन्होंने कर रहे हैं। तो बस टाइम पर ये हो जाए, अभी सभी गांव वासियों से यही अनुरोध। एक तो काम ठीक चल रहा है उसके बारे में समीक्षा हुआ था, दूसरा ये भी बताया गया है अभी भी अगर किसी का खेत में सर्वे नहीं हुआ, उनको लग रहा है कि फसल नुकसान हुआ है, डेफिनेटली वो संपर्क कर सकते हैं। लेखपाल है SDM, इनसे संपर्क करके तुरंत वो अपना नुकसान का एक बार सर्वे कर लेंगे, तो हम लोग सही टाइम पर उन लोगों को लाभ पहुंचा पाएंगे। इस गांव के अलावा और किसी गांव में काफ़ी गांव पंचायत प्रभावित हुए हैं हम लोगों का, लगभग 900 से ज़्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। हर जगह टीम लगा हुआ है, काफ़ी किसानों को आइडेंटिफाई करके फीडिंग भी किया, मोर देन 15,000 किसान इन्होंने फीडिंग भी कर रखा है, उसमें पैसा भी मिल गया। कुछ लोगों से अभी पूछा था तो कई लोगों का मिल भी गया है पैसा, बाकी लोगों का भी मिल जाएगा। बस ये टाइम पर वो अगर अपना सर्वे करा लेंगे हो जाए। वैसे हमारे टीम रेवेन्यू टीम कर ही रहे हैं, बट इनकेस उनको लग रहा है कि उनका भी करना चाहिए, डेफिनेटली कर लें समय पर, तो हम लोग बात करें। मैम, कम से कम लोगों को कितनी मिनिमम राशि आपके द्वारा सहायता की जा रही है? ज्यादा से ज्यादा जिस तरह से मिल जाएगा, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज में होता है, मकान के लिए अलग है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।